हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज आम यही वीडियो रे OEEC रो WEO एग्जाम पाई किछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिबा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिबा। क्वेश्चन 1, द एनर्जी एमिटेड बाय द सन इज ड्यू टू, व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्राई करंतु, द एनर्जी एमिटेड बाय द सन इज ड्यू टू, सूर्य द्वारा जो एनर्जीटा एमिटेड हुए ता कहा जोगु हुए। ओके, व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 हे जीव यार राइट आंसर। क्लियर, जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 ट्राई करिवा। क्वेश्चन 2, इन न्यूक्लियर रिएक्टर हेवी वाटर इज यूज्ड एज, न्यूक्लियर रिएक्टर रे हेवी वाटर को व्यवहार करा जाय तो से हेवी वाटर रो इंपोर्टेंस कोन थाय। व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर, कूलांट हब, फ्यूल हब, मॉडरेटर हब ना एटॉमिक स्मैशर हब। व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर, गोटे मॉडरेटर भाव यूज करा जाए, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक अच्छे, कौन भाव यूज करा जाए, गोटे मॉडरेटर भाव व्यवहार करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 ट्राई करिबा। टीयर गैस यूज बाय द पुलिस टू डिस्पर्स द मॉब कंटेन्स, पुलिस कौन करे जितेबाला कौन से भी आंदोलन हम से समय टीयर गैस रो प्रभाव माने टीयर गैस को अप्लाई करे तो सही जो टीयर गैस रे क्यों मटेरियल्स पर क्यों गैस हमें देखिया पई पाइबा माने सही जो टीयर गैस रे को एलिमेंट देखिया पई पाइबा हमें सेथरे कौन थाए क्लोरीन थाए, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, सेथरे क्लोरीन थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 ट्राई करंतु। नेसेसरी एलिमेंट ऑफ चेंज इन सोलार एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी रे कन्वर्ट करिबा पाई केउ मौलिक व्यवहार करा जाय, सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी रे कन्वर्ट करिया पाई केउ मौलिक व्यवहार करा जाय, जहां हमर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रे सिलिकॉन व्यवहार करा जाय। ठीक अछि, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, सिलिकॉन को व्यवहार करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 ट्राई करिबा, फटाफट ट्राई करंतु। क्वेश्चन 5, व्हाइल कैचिंग ए बॉल ए प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड्स टू लोअर द, ओके, जितेले कोनोसी खेलाड़ी कोनोसी एको बॉल को कैच करे तो हाई रु जितेले से बॉल टी कैच करे तो सही समय रे हाथ को से काहे की डाउन करे, पुल्स डाउन काहे करे बिकॉज कौन हुए से तार जो फोर्स को माने डिक्रीज हम तो सही समय कौन हम मोमेंटम, बिकॉज आम जिते तार मोमेंटम को स्लो कराइबा पई, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, मोमेंटम हिज वेयर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 ट्राई करिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन, निम्नलिखित मध्यरु केउ दुईटा भौतिक राशि जहार डायमेंशन सेम अच्छी, वर्क एंड एनर्जी, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, वर्क एंड एनर्जी हिज वेयर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 ट्राई करिबा। वाटर ड्रॉप्स आर स्पेरिकल बिकॉज ऑफ, वाटर ड्रॉप्स स्पेरिकल कहीं की, ओके, यार रीजन कौन हो पार, यार रीजन हूँ सरफेस टेंशन जो, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर इन, कोथिरे साउंड रो वेलोसिटी अधिक रहिबो, वाटर एयर स्टील वुड, ट्राई करंतु, ऑप्शन 3 स्टील इज द राइट आंसर, स्टील रे साउंड रो स्पीड अधिक रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 ट्राई करिबा। द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो, मेघ गुड़ाक कौन हुए ना आमर वायुमंडल भासमान अवस्था रुहंती तो यार रीजन कौन, बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी जो, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, लो डेंसिटी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस इज यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब रे क्यों गैस को व्यवहार करा जाए, ऑप्शन 2 आर्गन गैस को व्यवहार करा जाए। ठीक अच्छे, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, द फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडियन हिस्ट्री वाज, द फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडियन हिस्ट्री वाज रजिया सुल्तान, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक अच्छे,
ଯିଏକି ଇଲତୁତମିସ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଲତୁତମିସଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ସେକେଣ୍ଡ ବେଟଲ ଅଫ୍ ପାନିପତ ୱାଜ ଫାଉଟ ବିଟୱିନ୍, ଦ ସେକେଣ୍ଡ ବେଟଲ ଅଫ୍ ପାନିପତ ୱାଜ ଫାଉଟ ବିଟୱିନ୍ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ବେଟଲ ଅଫ୍ ପାନିପତ ଆକବର ଆଣ୍ଡ ହେମ୍ୟୁ, ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଆକବର ଆଣ୍ଡ ହେମ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 13 ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସିକ୍ ଷ୍ଟେଟ ୱାଚ, ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସିକ୍ ଷ୍ଟେଟ ୱାଚ କିଏ ଥିଲେ? ରଣଜିତ ସିଂ ଥିଲେ, ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ରଣଜିତ ସିଂ ଥିଲେ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସିକ୍ ଷ୍ଟେଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 14 ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଦ ଫାଷ୍ଟ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଚ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର କିଏ ଥିଲେ? ବାବର ଥିଲେ, ଅପସନ୍ 3 ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 15 ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ରୁଲର୍ସ ଏବୋଲିଷ୍ଟ ଜଜିଆ, ଜଜିଆ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଯାହା ଗୋଟେ କର, ଏହାକୁ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ 3 ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 16 ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ୱାଚ କିଏ, ବା କେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସକୁ କ୍ଲିଅର କରିଥିଲେ, ବା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ 4 ସତେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଅପସନ୍ 4 ସତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 17 ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ହୁ ୱାଜ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଟିସନ କାଉନସିଲ, ପାର୍ଟିସନ କାଉନସିଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ? ହୁ ୱାଜ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଟିସନ କାଉନସିଲ? ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ 2 ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାରତକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? 1942 ମସିହା, 1942 ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 19 ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ୱିଡ୍ରୋ ଦ ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଟୁ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ, ଏହାର ରିଜନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ? ନା ଯାହା ଆମର ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଚୌରୀ ଚୌରାଠାରେ, ଅପସନ୍ 1 ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଚୌରୀ ଚୌରାଠାରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ୱିଡ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20, ହୁ ୱାଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶ୍ରୀ ୱାର? ଓକେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ ଥିଲେ, ଅପସନ୍ 4 ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 21 ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 21, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଗ୍ୟାସେସ ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରେସର ଇନ୍ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କସ, ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ଆମେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ 3 ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, PVC ଇଜ ଅପ୍ଟାଇନ୍ଡ ବାଇ ଦ ପଲିମେରାଇଜେସନ ଅଫ୍, କାହାକୁ ପଲିମେରାଇଜେସନ କରି ଆମେ PVC ବାହାର କରନ୍ତି? ଭିନାଇଲ କ୍ଲୋରାଇଡ଼କୁ, ଅପସନ୍ 2 ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 23, ଓକେ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ ଏବ୍ୟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ, ଗୋବର ଗ୍ୟାସରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆମେ ମିଥେନ ପାଇବା, ଅପସନ୍ 2 ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯାହାକୁ ଜାଳେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଏଲିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ହାର୍ଟ ପେସ୍ ମେକର ଇଜ, କେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁରାନିୟମ, ଅପସନ୍ 1 ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ୟୁରାନିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 25 ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ଅଟେ? ଓକେ, ପେପର, ଅପସନ୍ 1 ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 26, ଏଟମ୍ସ ଅଫ୍ ସେମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହାଭିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାସ୍ ନମ୍ବର ଆର୍ କଲ୍ଡ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଏଟମ୍ସ ଅଫ୍ ସେମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହାଭିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାସ୍ ନମ୍ବର, ଓକେ ମାସ୍ ନମ୍ବର ଅଲଗା ରହିବ, ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇସୋଟପ୍ସ କୁହାଯିବ, ଅପସନ୍ 2 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 27 ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଫଟାଫଟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ନେଚୁରାଲ ପଲିମର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ନେଚୁରାଲ ପଲିମର ଅଟେ?
स्ट्रच ऑप्शन फोर ही जो है राइट आंसर स्ट्रच हूँ गोटे नेचुरल पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स शोस ऑलोट्रॉफी इन लिक्विड स्टेट रे निम्नलिखित मध्य क्यों नॉन मेटल्स अधातु ऑलोट्रॉफी शो करे जिते से लिक्विड स्टेट रे थाए दैट इज सल्फर इज द राइट आंसर ऑप्शन टू ही राइट आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करवा क्वेश्चन 29 ट्राई करूँ। क्वेश्चन 29 बॉक्साइट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल बाय व्हिच इंडस्ट्री एल्युमिनियम इंडस्ट्री रे बॉक्साइट को गोटे रॉ मटेरियल भाव में व्यवहार करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड इन व्हिच फॉर्म ऑफ कोल रे ओके क्यों प्रकार कोयला रे अधिक परिमाणर बा अधिक शतकड़ार कार्बन्स देखिया पई पाइबा दैट इज एंथ्रासाइट ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन दैट इज क्यों ठारे नीलगिरी ठारे ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाटरमेलन्स ग्रो बेस्ट इन क्यों मूर्तिकारे तरभुज ओके क्यों मूर्तिका सैंडी सॉयल ऑप्शन टू इज द राइट आंसर क्लियर। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 33 ट्राई करंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया डज नॉट जॉइन अरेबियन सी ओके केउटा अरेबियन सी को जॉइन करी नाही दैट इज कावेरी नदी कावेरी रिवर ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट ट्राई करिवा द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया वाज सेट अप एट प्रथम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को भारत रे केउठारे सेट अप करा जैतला शिव समुद्रम रे ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज एटा होचे हमरो दामोदर प्रोजेक्ट ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रेनफॉल कॉज्ड बाय इंटेंस इवापोरेशन इन इक्वेटोरियल एरिया इज कॉल्ड ओके दैट इज ए कौन हम जो आम हॉट एरिया रे जो रेनफॉलटा हम दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 37 ट्राई करंतु रिंग ऑफ फायर इज फाउंड कॉमनली इन पैसिफिक ओशियन ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पेस रिटेनिंग लाइफ इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड सेटा को बायोस्फीयर कहा जाए बायोस्फीयर डेफिनेशन होची द स्पेस रिटेनिंग लाइफ इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेट बैरियर रीफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल रीफ इज लोकेटेड इन क्यों कंट्री रे देखिबा पई पाइबा ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन टू इज द राइट आंसर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तुंद्रास आर कौन गोटे फॉरेस्ट एंड एटा आमर दैट इज ए गोटे कोल्ड सॉरी फॉरेस्ट नो एटा होची गोटे डेजर्ट एटा होची गोटे कोल्ड डेजर्ट ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करंतु 41 नाइट ब्लाइंडनेस रिजल्ट्स फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ क्यों विटामिन रो अभाव रे अंधार कणा देखा माने अंधार कणा रोग हुए विटामिन ए इज द राइट आंसर ऑप्शन फोर ही जो है रो राइट आंसर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइफॉइड फेवर इज कॉज्ड बाय टाइफॉइड बैक्टीरिया द्वारा व्यापे ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल रिसिप्टेंट्स ओके समस्त पाखरु गोटे यूनिवर्सल रिसिप्टेंट अटे दाकि ओके सेटा होचे हमर ए बी ब्लड ग्रुप ए बी हिज वेयर राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड निम्नलिखित मध्यरु कोटा गोटे लार्जेस्ट लिविंग बर्ड अटे दैट इज ऑस्ट्रिच ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 45 इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट रो इंटेंसिटी दैट इज लुकीमीटर ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 46 हु इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन केवल जुडिशियरी पाखे ही से पावर अच्छे ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। 47 फटाफट ट्राई करवा व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज विषय रे आर्टिकल 40 रे जहां हमरो डीपीएसपी रो ही गोटे आर्टिकल रो पार्ट आर्टिकल 40 रे वर्णना करा जाइछि ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन साइमन कमीशन को
ओके साइमन कमीशन यार राइट आंसर ऑप्शन वन इज द राइट आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 ट्राई करूँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। 5 टाइप्स ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन ट्राई करवा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर तो यहाँ आमर गोटे कौन हम लीगल राइट्स हम फंडामेंटल राइट्स हम ह्यूमन राइट्स हम ना नेचुरल राइट्स हम यहाँ हूँ कौन आम गोटे फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स अंतर्भुक्त अटे। ओके तो यह थी किसी क्वेश्चन। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।